وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الله وَهُوَ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار तमाम तारीफ़ेंद शरीक रहू के लिए जो कायनत का खालिक और मालिक है और ज़रूर जरूर सलाम अल्लाह के प्यारे नबी जनाब महमदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रामी पर जिन्हें बशीर नज़ीर बनाकर भेजा गया मोहतरम हजरातवात अल्लाह तयनत में अपना एक निज़ाम और सिस्टम कायम किया है और मख्तल मखलूक़ को अलग अलग काम पर अल्लाह साल ने लगा रखा है और इस कायनत में अल्लाह का जिस तरीके से एक मादी निज़ाम है ऐसे ही मानवी निज़ाम भी है जैसे सूरज निकलता है तो धूप होती है सूरज डूब जाता है रात आती है तो रात के अंदर धूप नहीं होती ठंडक होती है ऐसे ही जब ठंडी हवाएं चलती हैं बारिश के मौसम में तो बारिश होती है और भी कायनात का बहुत सिस्टम अल्लाह ने बना रखा है और इंसान उनको देखते हुए ये कह देता है कि अब फला चीज़ वजूद में आने वाली है ये चीज़ वजूद में आई तो इसके बाद फला चीज़ आएगी इसलिए कि वो सिस्टम कभी बदलता नहीं है अल्लाह का उसी पर चलता रहता है निज़ाम ऐसे ही अल्लाह तआला ने कौमों के अरूज व जवाल का भी एक निज़ाम बना रखा है अल्लाह तुरान मजीद में इशार फरमाया अल्लाह तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह अपनी हालत को खुद न बदल लें अपने अंदर जब तक खुद तब्दीली ना पैदा कर लें तब तक अल्लाह तआला किसी नमत को ज़ायर नहीं करता किसी हालत को बदलता नहीं है आज उम्मत मुसरिम जिन हालात से दो चार है उसमें आम तौर पर आप देखेंगे कि उम्मत गुर्बत का शिकार है जहालत का शिकार है इसके महलों में तरह तरह की बीमारियां हैं और दुश्मनों का दबाव और गलबा है बेरोज़गारी आम है आम तौर पर पूरी दुनिया में उमत मुशरमा के हालात ऐसे ही हैं तो आखिर सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है क्यों उमत मुशरमा ऐसे हालात से दो चार है उसका जवाब सीधा सा बिल्कुल यही है कि वो तो अपने हालात की ज़िम्मेदार खुद है अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी नेमतों, बरकतों और ख़ुशहालियों के लिए एक निज़ाम कायम कर रखा है क़ुरान मजीद में अल्लाह इशारा फरमाता है कि लोअल्लाफना आरिम बरकत मिनजमाय अगर ये बस्ती वाले ईमान वाले और तकवा वाले होते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते अल्लाह ताला के यहाँ बरकतों और रहमतों का जो निज़ाम है वो अल्लाह की एतात और फरमाबदारी ईमान और तकवा पर कायम है जो उम्मत ईमान और तकवा पर कायम रहती है अल्लाह तक खुशहाली और बरकत अता फ़रमाता है तरह तरह की नमतों से नवाजता है लेकिन जब कोई उम्मत अल्लाह तो के निजाम को पामाल कर देती है और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह तो के अकाम से रूगरदानी को अपना वतीरा बना लेती है तो फिर अल्लाह तो उस कौम से बरक़तें उठा लेता है उस कौम में तरह तरह के झगड़े खड़ा हो खड़े होते हैं मुख्तु किस्म की बीमारियाँ और परेशानियाँ खड़ी होती है अल्लाह तो तारा ने कुरान मजीद में मुख्तफ़ मकाम पर बहुत सारी उम्मतों का जिक्र किया है और उन उम्मतों को जिनको अल्लाह ताला ने हिलाक किया है उन उम्मतों का तस्करा के बाद आम तौर पर आप देखेंगे कि अल्लाह से तो तारा ये कहता है कि अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह से तो ऐसे ही करता है अल्लाह से तो इसी तरीके से कौमों को सदाएँ दिया करता है ये बात इसलिए बयान की गई हैं ताकि दुनिया इंसानियत इस बात को जान ले कि कुछ करतूतों का बदला हमेशा यहाँ मिलता है क़ुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह यूसुफ में फरमाया कि लक़द काना फी कैसतीम इबरतन के उनकी कहानियों में उनके किस्सों में इबरत है इसी तरीके से मदीने में जो यहूदी आबाद थे वो तरह तरह की साजिशें किया करते थे अपने दीन में तहरीफ कर दी थी उन्होंने किताबुल्लाह को बदल दिया था जब अल्लाह के नबी सल वसम तशरीफ़ लाए तो उनको पहचानने के बावजूद इनकार कर दिया और नबी सल्लाम की नाफ़रमानी करने के साथ साथ उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और आखिर में उन्होंने अल्लाह के नबी सल व्ल् की जान लेने की भी कई बार कोशिश की एक बार तो जब अल्लाह के नबी सल व्लम उनके कबीले में गए यहूदियों के हाँ तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इनको एक दीवार के नीचे बैठा देते हैं और ऊपर से कोई जाए पत्थर गिरा दे ताकि इनका ख़ात्मा हो जाए अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा दिया और आप चुपके से उठ कर मदीना चले गए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया और आपने यहूदियों पर फौज फौजकशी फरमाई उसी का जिक्र करते हुए अल्लाह तआला तो फरमाता है कुरान मजीद में कि अल्लाह तो ने उनको जो अहले किताब हैं पहले ही मुठभेड़ में अल्लाह उनको निकाल बाहर किया जिलावतनी का सामान कर दिया और आखिर में फ़रमाया कि युरिबू नब यूत हम बेदी हम वेदिन मोमिन फ़ा तबिर कि वह अपने घरों को ख़ुद भी उजाड़ रहे थे अपने हाथों और मोमिनों के हाथों भी फ़ा तबिर अबसार ए आँखों वालों इबरत पकड़ो मतलब ये है कि जो काम इन यहूदियों ने किया जो शान शौकत के साथ इतमिनार अमन के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी और सरकशी का रवैया अपनाया तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक दूसरी कौम को मुसरत कर दिया और नतीजा ये निकला कि उनको अपना घर बार छोड़ कर भागना पड़ा जिला वतन होना पड़ा ऐसे ही दूसरे लोग भी अगर ये काम करेंगे अगर उम्म मुसरमा भी ये काम करेगी तो उसका भी यही अंजाम होने वाला है और कई मकाम पर अल्लाह ने तो ये फरमाया कि कदार तो करमा अतमिन क़ब्रम इल्ला इला क़ारो अव अमजनून अतवासो बिही बनहम कौम तागून अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे ही इनका हाल रहा कि जितने भी नबी या रसूल इनसे पहले उम्मतों में आते रहे सब ने अपने नबी और रसूल को दीवाना कहा पागल कहा आ, तो क्या इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को इसी की वसीयत और नसीहत की थी हकीकत यह है कि ये सब हद से गुजर जाने वाले लोग थे तो अल्लाह तो से ने सब के साथ क्या किया उन सब को हराक बर्बाद कर दिया ऐसे ही अल्लाह तो से इस बात की चेतावनी देता है कि जो कौम अल्लाह से तारा की तलीमत और हिदायत को नज़रअंदाज कर देती है और ऐसी ज़िंदगी गुजारती है जो अल्लाह ताली की नाफ़रमानी पर ऐश कोशी पर और ख्वाहिशा नफ्स की पैरवी पर मुश्तमिल होती है तो उस कौम का अंजाम बर्बादी है अल्लाह तालन मजीद में इसा फरमाता है कि इजा अरजना नहल का अमरना यन अमरनातरफी हाफु फ़ीहा फक्क अरे कौलुमरना तदमीरा कि जब हम किसी बस्ती को हिराक करना चाहते हैं तो वहाँ के जो खुशहाल लोग हैं उनको हम ये हुक्म देते हैं कि वो इतराएँ और हद से गुज़र जाएं और जब वो अपने करतूत में हद से गुज़र जाते हैं अल्लाह के अल्लाह की मुकद्र करदा बाउंड्री को पार कर जाते हैं और अपनी ताकत क़ुत पर नाश करते हुए अल्लाह के हुक्मों को ख़ातिर में नहीं लाते तो अल्लाह तब तो कहता है कि उनके ऊपर हुज्जत पूरी हो जाती है और फिर हम उस बस्ती को तहस नहस कर देते हैं इसलिए कि लोग अपने खुशहाल लोगों के पीछे चलते हैं जो बस्तियों के सरदार होते हैं दौलत वाले होते हैं उन्हीं के पीछे चलने वाले होते हैं और उन्हीं का अखलाक उन्हीं का तौर तो तरीक़ा और उन्हीं का रवैया अपनाते हैं तो इसीलिए तबाही और बर्बादी अल्लाह तारा की तरफ़ से ऐसी कौम का मुकद्दर हो जाती है अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् के ज़माने में एक खातून थी जो लोगों से आरीत पर सामान लेती थी और फिर उसके बाद उसका इनकार कर जाती थी ये चोरी थी खुली हुई और चोर की सज़ा इस्लाम में हाथ काटना है बन व मखदूम की ये औरत थी जब अल्लाह के नबी सल्लाम के पास उसका मुकदमा पहुँचा तो आपने हुक्म साजर फरमाया कि इसका हाथ काट दिया जाए कबीले क्राइश के लोग और बनी मखदूम के लोग आपस में ये बातें करने लगे कि ये तो बड़ी सुबकी हो जाएगी इतनी मज़जस कौम है और ऐसी इज्जत वाली कौम कि पूरे माशरे में इंसन्ट होगी इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि इस मुजज़ घराने और मज्ज़ कबीले की औरत को इतनी बड़ी सजा न दी जाए सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह के नबी सल व्ल् से ये सिफ़ारिश कौन लेकर जाएगा तो आपस में मशवरा करके लोगों ने कहा कि ये काम हजरत उसामा कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं आप गए और आपने सिफारिश कर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गु़स्सा हुए और आपने फ़रमाया कि आतश्रफी हद हद्ला कि तुम ऐसी जुनात के साथ आए हो कि अल्लाह की हदों के मुतिकफारिश लेकर आए हो कि एक औरत ने अल्लाह की हदें पार कर दी तजाव कर दिया और इतने बड़े जुर्म का इतकब किया तुम तो उसकी सिफारिश करने आए हो सख्त नाराज़गी का इजहार किया अल्लाह के नबी वसम ने और फिर उसी मौके पर आपने फ़रमाया कि इमा अहलक कमन कान्र कम अन्न हम इदा कानू सर कफ़ी हिम शरीफ हो हो वही सर कफ़ी हिमीफो अकाम सरकत ल महम्मद अल्लाह के रबी सा फरमाया देखो तुमसे पहले जो उम्मत हराक हुई उनका तरीक़ार ये था कि जब उनमें किसी मज़्जत घरानी का आदमी चोरी करता तो उसे यूँ ही छोड़ दिया करते थे और जब कोई गरीब और कमज़ोर चोरी करता था उसका हाथ काट देते थे इसी वजह से वो उमतें हराक हो गई यानि उन्हें दोहरा पैमाना बना रखा था और एक बड़े लोगों का के साथ सलूक का और दूसरा छोटे लोगों के सलूक के साथ सलूक का हालांकि जुर्म जुर्मसा होता था तो सजा भी बराबर मिलनी चाहिए अदल और का तकादा यही था लेकिन वह अदल और के तकाजों को पामाल करके ऐसी झुल्म ज़्यादा का रवैया अपने माशरे में अपनाते थे तो अल्लाह के नबीम स्रुण। फरमाते हैं इसी वजह से वो कौम हराक हो गई और अब मेरा मामला यह है कि तुम एक बनी मखदूम की और उनकी सिफ़ारिश करने आए हो अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद सल्लम की बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ काट देता तो ये सबक और पैगाम दिया कि जो काम करके पिछली कौमें सजा पाती थी वही काम करके ये उम्मत सदा से बच नहीं सकती है वही काम करके इस उम्मत को तकलीफ़ों से नजात नहीं मिल सकती है और ये बात अल्लाह ने कुरान पाक में और नबी कायनात सलातम ने अपनी अदीस मुबारक के ज़रिया बार बार इस उम्मत को समझाया है और अल्लाह तो तारा फरमाता है कि रन सज सुन्न चिल्ला वन तजी सुन्नत अल्लाह तहवीला तुम अल्लाह की सुन्नत को अल्लाह के तरीक़े को कभी बदलता हुआ नहीं पाओगे कभी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं पाओगे अल्लाह ने सिस्टम बनाया है कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको अच्छा बदला दिया जाएगा जो बुरा काम करेंगे उनको बुरा बदला दिया जाएगा चुनाच आप देखें कि अल्लाह ताली कुरान मजीद में निशा फरमाता है वह जनूनी जहाबादबन फजरा ही फनादाफुल अल्लांत सुबह का इन्नी कुंतु मिनमीन फ़न जीना ग़मी व कज़ारली का नजिनमोमिन कि जमनून यानी हज़रत यूनुस का तस्कराब कीजिए कि वो अपनी कौम से गुस्सा करके अपनी बस्ती छोड़ के चले गए और ये समझा कि हम उन पर कादिर नहीं होंगे यानी इस पहलू पर उन्होंने तोज्जो नहीं दी कि हम भाग के कहाँ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से पहले बस्ती छोड़ के चले गए तो ये भी एक तरह का तजावज़ था अल्लाह तआला तो ने हज़रत सलाम को इस पोजीशन में पहुँचा दिया कि जब वो कश्ती में सवार हुए तो वो कश्ती बोझल हो गई तो ये फैसला किया गया किसी एक आदमी को दरिया में डाला जाएगा खुदा हुई और बार बार हज़रत यूनूम का नाम निकलता रहा तो बिल आखिर उनको समुंदर में जाना पड़ा दरिया में जाना पड़ा और मछली ने आकर निगल दिया। जब मछली के पेट के अंदर चले गए तो अपनी ग़लती का एहसास हुआ और गलती का एहसास करने के बाद उन्होंने अल्लाह से रुजू किया तोहबा की अपनी कोताही का इतराफ़ किया अल्लाह फरमा के फनाद आफ़रमात तारीखियों में पुकार लगाई एक तो रात की तारीख़ी दूसरे समुन्दर की तारीखी और तीसरे मछली के पेट की तारीख़ी इन सारी तारीखियों के अंदर से जब हजरत यूनुस इबन मत्ता अरे सलात सलाम ने अपने रब को पुकारा इधार नदामत के साथ अपने आंसुओं के साथ कि ला लाता सुबह न कुल तुम कि तेरे सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है पाक है और मैं जालिमों में से हो गया मतलू यह था कि परवर दिगार आलम मैं अपनी खताओं का एतराफ़ करता हूँ तेरी अजमत और बुलंदी का एतराफ़ करता हूँ अल्लाह तू मेरी खताओं को माफ़ कर दे और इस मुश्किल और परेशानी से नजात दे दे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनको गम से नजात दे दी हमने उनकी दुआ सुन ली जब उन्होंने नदामत के आंसू बहाए जब उन्होंने अल्लाह से रुजू किया और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग ली तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनकी परेशानियों का मदावा किया और उनके गमों का इलाज कर दिया उन्हें उस मुसीबत से छुटकारा और नजात दी और फरमाए कदारी का नुनजिन मोमिन ये निज़ाम सिर्फ़ यूनुस अरे सलात सलाम के साथ नहीं है सारे मोमिनों के साथ में हमेरा यही मामला है कि हम सारे मोमिनों को ऐसे ही नजात दिया करते हैं कि जब वो गुनाह कर बैठें और रुजू करें नदामत के साथ तोबा कर लें और अल्लाह तारा से माफ़ी मांग लें या अल्लाह को पुकारें और दुआ करें मुसीबत के वक्त तो हम उनकी मुसीबतों को दूर कर देते हैं उनके गमों का इलाज कर देते हैं तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी बताया कि अच्छे लोगों के साथ अल्लाह का जो ताम है अल्लाह का जो निज़ाम सिस्टम है वो अपना काम करता है और बुरे लोगों के साथ जो निज़ाम सिस्टम है वो भी अपना काम करता है इसलिए जो अल्लाह ताला की रहमतों के हसूल का जो चीज़ें जरिया हैं जब तक मोमिन उनको नहीं अपनाएंगे और अपने हालात का जायज़ा लेकर ज़िंदगी में ये नहीं देखेंगे कि आज जो उनके साथ परेशानियां हैं जो मुश्किल हैं जो मकलूबियत है और जो तरह तरह के दुख हैं उनके इसबाब क्या हैं क्या हमने अल्लाह के गजब को दावत दी अल्लाह की नाराज़गी को दावत दी ऐसे काम किए जो मुसीबतों में मुबला करने वाले हैं तो फिर उसके बाद हमें उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिस रास्ते और तरीक़े को अपना कर हम इन मुश्किल से बाहर आ सकते हैं इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं अल्लाह के नबी सलम की, की मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया कि या माशर महाजरीन खम सुन इज़ तुरी तुम बिहन्ना व बिल्लांत को हन्ना ए महाजरीन की जमात पांच बातें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुबला हो जाओगे और मैं अल्लाह की प्रा चाहता हूँ इस बात से कि तुम उनमें मुबला हो जाओ देखो कि माँ जहरतुल्फाहिश तो फ़ी कौमिन हत्ता आ रनूबा अला फशत फ़ीम अलओजा अत आत्ता वोजा उल रम तक उन मदत फी असला फ़ीमी मदो जब किसी कौम में बदकारी और बेहयाई आम हो जाती है यहाँ तक कि वह आरानिया बदकारी करने लगते हैं और फ़ैश कामों का इर्तिकाब करने लगते हैं तो फिर उनमें ऐसी बीमारियां, ताउन और बनाएँ आती हैं जो उनके बुज़ुर्गों में नहीं कभी उसका तसुर भी नहीं था आज आप गौर फरमाएँ कि उम्र मुसलिमा का तज़ इम्तियाज़ हयासी इफ़त और पाक दामनी और आगरू की हिफाजत अल्लाह ने जगह जगह कुरान पाक में मोमिनों की तारीफ़ में फ़रमाया कि वीम फलोजाफिल कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं आज बेहयाई किस कदर आम है बेपर्दगी किस कदर आम है सड़कों पर चलते हुए ट्रेनों पर सफ़र करते हुए बसों और गाड़ियों में आप जिस तरह बेहयाई के मुज़ाहरे देखते हैं वो क्या इस बात की दलील नहीं है कि इस उम्मत ने अलानिया बेहयाई और बुराई का इरतकाल किया फसाद का इतक किया और इस उम्मत ने अपने आप को इस बात के लिए पेश कर दिया है कि वह अल्लाह ताला की गिरफ़्त में आए ऐसे ही अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई कौम नाप तौल में कमी करती है तो उसको तीन तरह की सजाएं दी जाती हैं एक तो ये है कि कह सालियों में उसको पकड़ लिया जाता है ज़िंदगी दुश्वार और परेशान कुन हो जाती है और बादशाहों का जुल्म हाकिमों का जुल्म उसे सहना पड़ता है तो पता चला कि हाकिम जो जालिम आते हैं या हालात बिगड़ जाते हैं। आदमी कहता है नौकरी नहीं मिल रही है इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके फिर रहे हैं कारोबार में घाटा है और ग़ा के सिलसिले में परेशानी है मिलावट है तरह तरह की बीमारियाँ और परेशानियाँ हैं लेकिन आप ये भी तो देखें कि आज हर सौदागर किस तरीके से पैमाने में डंडी मारता है कपड़ा बुनने वाला है वो नापतौर में कमी करता है बिल्डिंग बनाने वाला है वो नापतौर में कमी करता है लोहा बेचने वाला हो सोना बेचने वाला हो गल्ला बेचने वाला हो हर एक किस तरीके से अल्लाह की नाफ़रमानी करते हुए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मालम तहकुम आइम्मत हम बे किताबिल्लाफी जया बाम बम कि जब भी कोई कौम के अल्लाह और के हुक्म को तोड़ देते हैं तो अल्लाह तआला और आ, वो इख्तियार करने लगते हैं चुनने लगते हैं और अपनी मर्ज़ी के काम जो चीज़ें पसंदीदा हों उसको इख्तियार कर लिया नहीं तो अल्लाह तआला फरमाता है कि अल्लाह तारा उनके दरमियान दुश्मनी आपस में नफ़रत पैदा कर देता है आपस में झगड़े और इख्तलाफ पैदा कर देता है आज उम्मत कहाँ किताबल्ला पर जो उसके पेशवा हैं और जो उसके हुक्मरा हैं कहाँ वो पर आमिल हैं कहाँ अल्लाह तआला के बताए हुए दीन पर कायम हैं ऐसे ही आपस में भी उम्मत किताबल्ला से रू किए हुए है अल्लाह के हुक्मों से रू किए हुए है तो आज जो इख्तलाफात हैं हमारे यहाँ वो इख्तलाफात यकीन किताबल्ला से और सुनत रसूल्ला से बेअनाई का नतीजा है इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में और भी चीज़ों की निशानदेही की है और एक बहुत ही मशहूर हदीस है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की जिसमें आपने फ़रमाया कियातु बिल वाह हस्तुमा अजनाबल्बकर व तरक्तुमजहादी सबी सल्तल्ला जुल्न लांदा तरक फरमाया कि जब तुम गायों की धुम पकड़ लोगे और री तुम तो भी जर ही खेती बाड़ी पर राज़ी हो जाओगे और दुनियादारी में लग जाओगे और अल्लाह के दीन के लिए किताब और जिहाद जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनसे बाद आ जाओगे तो अल्लाह ताली तो तुम तो तो पर ऐसी जिल्लत मुसलत कर देगा कि जो टारे नहीं टाली जाएगी यहाँ तक कि तुम अल्लाह के दीन की तरफ वापस चले आओ तो ये अल्लाह की सुन्नत है हमेशा कि जब बंदे अल्लाह तो तारा के बताए हुए निज़ाम पर कायम नहीं रहते जब उनकी तोहेद में खलर हो जाए अक़ीदे में खबर हो जाए जब नमाज़ों की पाबंदी ख़त्म हो जाए जब हराम व हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए और जब ख्वाहिशात पे जीने लगें तो फिर अल्लाह तो तारा ऐसे ही दुश्मनों को मुसदत कर देता है परेशानियाँ आती हैं आफतें आती हैं तो आज मुस्लिम माशरे की जो मुश्किल हैं उसके ज़िम्मेदार हम मुसलमान हैं हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए और अल्लाह ताली के सिस्टम और निज़ाम को समझते हुए अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलने के लिए हमें भी अपने आप को बदलना होगा अल्लाह तब तारा हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इस कायनात में अपने वजूद के मकसद को समझें और वही इलाही से इस्ता करते हुए अपनी पूरी असलाह करें अल्लाह हमें नेकी और ख़ैर की तौफीक अदा फ़रमाए अकुल हाद व अस्त फिर वरकमस्तम अमितज़म उसदल तबी महमद